हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 43 से लेकर 50 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममालम प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जामि। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है संध्या समय दिति का गर्भ धारण। तो हमने देखा कि संध्या का समय था, यज्ञ अग्नि जलाकर कश्यप मुनि अपने नियमानुसार विधि विधानों से भगवत पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और उस समय दिति ने काम इच्छा से चूर होने के कारण उनको संभोग करने के लिए प्रेरित किया, और उसके उपरांत बहुत समझाया कश्यप मुनि ने उनको कि ये समय सही नहीं है, शिवजी इस समय
भ्रमण कर रहे होते हैं, और यदि किसी को गर्भ धारण हो जाता है तो उसके अंदर भूत प्रेत चले जाते हैं। बहुत बहुत समझाया कि आप कुछ समय इंतज़ार करो, लेकिन फिर भी दीति अपनी काम इच्छा के कारण अपने आप को रोक ना पाई। और उसके उपरांत जब कश्यप मुनि ने संभोग के उपरांत पुनः ध्यान लगाया, अपने मुख को पवित्र किया, स्नान किया, तो उसके उपरांत दीति को ये एहसास हुआ कि बहुत गलत हुआ। जाकर क्षमा मांगी तो कश्यप ने कहा कि अब क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है, अब तो जो होना था हो गया। तुम्हारे गर्भ में दो असुरों ने प्रवेश कर लिया है, वो और वो इतने खतरनाक होंगे, सारे जीवों को दुखी करेंगे, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को उनकी भक्ति करने नहीं देंगे, उनको इतनी पीड़ा पहुंचाएंगे, सारे संसार में हाहाकार मचा देंगे, तो तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे। दीति बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और पूछने लगी कि आप शिव जी से कहिए कि मेरे इस संतान की रक्षा करें। तब कश्यप मुनि ने कहा कि ये दोनों इतने क्रूर होंगे कि इनको मारने के लिए साक्षात भगवान इस संसार में अवतरित होंगे। तब दीति ने कहा, ये तो बहुत अनुकंपा है मेरे कृष्ण की, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो स्वयं अपने हाथों से इनका वध करेंगे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि भगवान के हाथों भले मारे जाएं, परंतु ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। इसके उपरांत श्लोक नंबर 43 में दीति कहती हैं, न ब्रह्म दंड दत्तस्य न भूत भयदस् न भूत भयदस्य च नारकाशानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौगत। न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाशानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौगत। न ब्रह्मदण्ड न मन कभी नहीं, ब्रह्मदण्ड मतलब ब्राह्मण द्वारा दिया गया दंड, दग्धस्य इस तरह से दंडित होने का, न भूत भयदस्य न मन नहीं, ना तो भूत भयदस्य उसका जो जीवों को सदा डराता रहता है, च भी नारका अर्थात नरक जाने वाले च भी अनुग्रहन्ति कोई अनुग्रह करते हैं, याम याम योनिम असौगत, याम याम जिस जिस को योनिम जीव योनि को असौ अपराधी गत अर्थात जाता है। अनुवाद, जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वाले द्वारा ना ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा किया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तिरस्कृत जीव योनि का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर भी तनिक भी समवेदना नहीं दिखाते। तो यहाँ दीति कहती है, एक बार जो तिरस्कृत हो जाता है, जो जीव, जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत, यानी ब्राह्मण अगर उसको श्राप दे देता है या तिरस्कृत कर देता है, मतलब उसका निषेध कर देता है कि, तो फिर उसके बाद वो हमेशा दुखी रहेगा, उसको जीवन में कभी आनंद प्राप्त नहीं होगा। भगवान का यदि कोई अपराध कर देता है ना, तो कभी गुरु के पास या वैष्णव के पास जाएंगे ना, तो भगवान उन वैष्णवों के
प्रार्थना के कारण हमारा वो अपराध क्षमा कर देंगे। यदि वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वैष्णवों की प्रार्थना के उपरांत वो हमारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि किसी ब्राह्मण या वैष्णव का अपराध हो जाए तो फिर भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए सदैव ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी वैष्णव भक्त को का कभी तिरस्कार नहीं हो, या फिर उनके द्वारा हमारा कभी तिरस्कार ना हो। कुछ ऐसा हम ना करें कि उनको विवश होकर हमें तिरस्कृत करना पड़े। तो हमेशा दूसरों के लिए दया भाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को फॉलो करें। फॉलो तो मतलब हर किसी का अनुगमन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आप शास्त्र और गुरु और साधु के जो सहायता से आपको जो जिस तरह से मतलब भगवान प्रेरणा देते हैं, आपको उस तरह से कार्य करना, लेकिन किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। उसके उपरांत कश्यप मुनि कहते हैं, जब दिति ने इस तरह से कह दिया तो कश्यप क्या कहते हैं। कश्यप उवाच कृत शोकानुतापेन सत्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत् युरुमानाच्च भवेमय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैक सतां मत गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम् कृतशोक नुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवद्युरुमानाच्च भावे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवितैक सतां मत कास्यन्ति यद्यश शुद्धं भगवद्यशसा समम् कृतशोकानुतापेन। कश्यप मुनि कहते हैं कृतशोक अर्थात शोक कर चुकने पर, अनुतापेन पश्चाताप द्वारा, सद्य तुरंत, प्रत्यवमर्शनात् अर्थात उचित विचार विमर्श द्वारा, भवन्ति भगवान के प्रति, उरु यानी अत्यधिक, मानात यानी प्रशंसा, च भी भवे अर्थात शिव, मय्यपि अर्थात मुझको भी, च तथा आदरात आदर से, पुत्रस्यैव च पुत्राणां पुत्रस्य अर्थात पुत्र का, एव यानी निश्चय ही, च भी तथा पुत्राणां पुत्रों का, भविता अर्थात उत्पन्न होगा, एक एक सताम मतलब भक्तों का, मत यानी अनुभूत अनुमोदत, और गास्यन्ति यद यशः शुद्धम, गास्यन्ति मतलब प्रचार करेगा यद जिसको, यशः ख्याति शुद्धम दिव्य, भगवत यशसा सम भगवत अर्थात भगवान को, यशसा ख्याति से समम यानी समान रूप से। अनुवाद। विद्वान कश्यप ने कहा तुम्हारे शोक पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकशिपु का एक पुत्र प्रह्लाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के ही समान प्रचारित होगी। शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद जी दित्ति से कहते हैं कि तुमने अपराध तो किया परंतु फौरन से
उसी समय पश्चाताप भी किया और शिव जी को मुझे सम्मानित किया। तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे ये पुत्र तो असुर ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये तो गर्भ में आ गए असुर, लेकिन इनमें से जो हिरण्यकशिपु है उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त होगा और उनकी ख्याति संसार भर में भगवान के ही समान फैलेगी। तो पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई अपराध हो जाए तो भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो वैष्णव गण तो मतलब ही उसी का है जो हमारे पश्चाताप करने पर हमें क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अपराध ना हो, लेकिन यदि कोई अपराध हो जाए तो अवश्य पश्चाताप के द्वारा उनको संतुष्ट किया जाना चाहिए। युगर्हमेव दुर्वर्णम् भाविष्यन्ति साधवा निर्वेरादिभिरात्मानम् यच्छीलमनुवर्तितुम् योगर्हमेव। योग्य अर्थात शुद्धिकरण की विधि से हेम यानी सोना इव सदृश दुर्वर्णम निम्न गुण भाविष्यन्ति शुद्ध कर देगा। यानी कि जब सोने के अंदर खोट होती है तो एक तरीका होता है शुद्धिकरण का, जिसके द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। और साधव अर्थात साधु पुरुष निर्वैरादि विरात्मानम, निर्वैर आदि भी अर्थात शत्रुता इत्यादि से मुक्त होने के अभ्यास से आत्मानम आत्मा यत शीलम अनुवर्तते, यत मन जिसका शीलम यानी चरित्र अनुवर्तितुम यानी चरण चिन्हों का अनुगमन करना, अर्थात उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। तो ये ऐसा पुत्र होगा कि इतने भी संत होंगे, महापुरुष होंगे, वो उनकी जो शत्रुता है राक्षसों से असुरों से वो सब भूल जाएंगे और इतना ये जो तुम्हारा पौत्र होगा वो इतना शुद्ध भक्त होगा कि सब उनके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है वह मुख्यतः आत्मसंयम पर निर्भर है। आत्मसंयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध जीव अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने और कोई वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भक्त के गुणों के विषय में बता रहे हैं कि भक्त चाहे कहीं पर भी उत्पन्न हो, वो चाहे राक्षस के कुल में भी उत्पन्न हो, लेकिन उसके अंदर ये गुण अवश्य होता है कि वो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, वो केवल अपने अवगुणों को देखता है और दूसरों के अंदर सद्गुण देखता है। यानी दूसरों के लिए कभी भी वो क्रोधित नहीं होता है, भले उसके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे। वो कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि भगवान इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो आप इसको सबक सिखाओ या नहीं। वो हमेशा सबके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान सबको सदगति और सत्मार्ग प्रदान करें। उसके बाद कश्यप मुनि कहते हैं यत प्रसादादिदं विश्वम प्रसीदति यदात्मकम् स स्वदृग् भगवान् यस्य
तोष्यस्ते तोष्यते नन्यया दृशा यत् प्रसादादिदं विश्वम्। यत् मन जिसके प्रसादात यानी कृपा से इदम यानी यह विश्वम यानी ब्रह्मांड प्रसीदति यदात्मकम्। प्रसीदति यानी सुखी बनता है यत् जिसके आत्मकम् यानी सर्वव्यापक होने से स वह स्वदृक् स्वदृक् भगवान यस्य। स्वदृक् मतलब अपने भक्तों की विशेष परवाह करने वाले भगवान यस्य जिसका तोष्यति तोष्यति यानी प्रसन्न होता है अनन्य बिना विचलित के दृशा यानी शुद्धि से। अनुवाद हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के पास नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। भक्त के हृदय में एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। उसके मन में और कोई इच्छा नहीं होती है इसलिए भगवान ऐसे भक्त से बहुत संतुष्ट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा के रूप में स्थित है और वे जिस किसी को भी चाहें उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी सबों का यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रु का भी प्रिय होगा क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं शुद्ध भक्त को चाहते हैं क्योंकि भगवान उनके हृदयों में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश करते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भक्त जो है उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हो चाहे कोई कितना ही बड़ा शत्रु हो या कितने सारे शत्रु थे हिरण्यकशिपु के और उनके जो शत्रु का शत्रु पुत्र होता है वो भी शत्रु कहलाता है लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का आचरण इतना पवित्र था इतना शुद्ध था कि उनके शत्रु भी उनके मित्र बन गए। तो भगवान के भक्त को सदैव ऐसा ही आचरण रखना चाहिए कि हर कोई उससे प्रेम करे क्योंकि जब तक कोई आपको नहीं प्रेम करेगा तब तक वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। इसलिए अपना चरित्र ऐसा रखना चाहिए लेकिन संसार में ऐसा है ना कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं तो भक्तों के लिए भी आरोप करते हैं लोग इस तरह से लेकिन फिर भी भक्त की कोई निंदा करता है तो भगवान बर्दाश्त नहीं करता लेकिन भक्त को अपना चरित्र हमेशा शुद्ध रखना चाहिए हमेशा पवित्र रखना चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि किस तरह से मैं दूसरों का कल्याण करूं किस तरह से मैं उनको किसी तरह से सुखी बना के भगवान की ओर आकर्षित कर सकूं। तो भक्त सदैव दूसरों का ख्याल रखता है दूसरों के विषय में सोचता है इसीलिए सब भक्त से प्रेम करते हैं। ऋषि कश्यप प्रहलाद के विशेष गुणों को यहाँ पर बखान करते हुए कहते हैं सावै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठि महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति
सवै महाभागवतो महात्मा समनवह वै निश्चय ही महाभागवतो अर्थात सर्वोच्च भक्त, महात्मा अर्थात विशाल बुद्धि, महानुभावो महता महिष्ठ, महानुभावो अर्थात विशाल प्रभाव, महताम यानी महात्माओं का, महिष्ठ अर्थात सर्वोच्च, प्रवृद्ध भक्त्या अर्थात पूर्णतया प्रौढ़ भक्त्या यानी भक्ति से ही निश्चय ही अनुभाविताशये अर्थात अनुभाविता अर्थात भाव की अनुभाव दशा को प्राप्त, और आशये यानी मन में निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्य, निवेश अर्थात प्रवेश करेगा, वैकुंठम अर्थात वैकुंठ में या आध्यात्मिक आकाश में, इमं इसको भौतिक जगत को, विहास्यति छोड़ देगा। अनुवाद, भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग में दिव्य प्रगति के की तीन अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थाई भाव, अनुभव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थाई भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न हो जाता है तो अनुभव कहलाता है, किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी हलादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ चला जाएगा। जब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है, अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से भगवान के भक्तों की दो कोटियों के विषय में बताया गया है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भाव और अनुभाव किसे कहते हैं। जो निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थाई, निरंतर जब भगवान के प्रेम में लगा रहता है तो उसे स्थाई भाव कहा जाता है, और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाए, भगवान को भगवान समझकर यदि निरंतर भक्ति की जाती है तो वो स्थाई भाव होता है। लेकिन यदि भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ दिया जाता है कि ये मेरा है, उसके उपरांत ये अनुभव कहलाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रहलाद महाराज हैं वो भगवान को कितना अपना समझते थे, वो प्रत्येक वस्तु में भगवान को ही देखते थे। तो ये जो इसीलिए जो शिल प्रहलाद महाराज हैं वो हर समय भगवान के विषय में सोचते रहेंगे, और जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं और हर समय उनके विषय में सोचते हैं, उनको याद करते हैं, तो फिर शरीर छोड़ने के उपरांत भगवत धाम की प्राप्ति आवश्यक है। इसलिए ये प्रैक्टिस हमको जीवन भर करनी है कि हर समय हर जगह पर केवल भगवान के विषय में सोचें, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकें। आगे कश्यप मुनि कहते हैं अलम पट शील धारो गुणा करो रिष्ट परत्या व्यथितो दुखितेशु
आभूत शत्रु जगत शोकहर्ता नैदाघिकं ताप विमोडुराज आलंपट शीलधरो। आलंपट यानी पुण्यशील, शीलधरो अर्थात योग्य, गुणाकर समस्त सद्गुणों की खान। हृष्ट परध्रिया, हृष्ट मना प्रसन्न, परध्रिया यानी अन्य के सुख से, व्यथित यानी दुखी, दुखितेशु अन्यों के दुख से। भूत शत्रु अर्थात शत्रु रहित, अजात शत्रु। अभूत शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु न हो। जगत सारे ब्रह्मांडों का, शोकहर्ता शोक का निवाश विनाशक। नैदाघ्रिकम अर्थात ग्रीष्मकालीन घाम से, तापम कष्ट इव सदृश, उड़ुराज अर्थात चंद्रमा। अनुवाद, वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा, तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करेगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी न थे, अलंपटा अर्थात पुण्यशील। तो वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रहा मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसे शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता है। यह सारे कष्टों का रामबाण औषधि है। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं कि हर कोई अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि सबसे बड़ा दुख क्या है। सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण की विस्मृति। जब जीव के हृदय से भगवान, जब वो हृदय से भगवान को भूल जाता है, हृदय में केवल संसार के विषय में सोचता है, उसी दिन से, उसी समय से उसके जीवन में कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक जीव भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में आनंद की कोई अभिलाषा नहीं, कोई संभावना नहीं। इसलिए एक भक्त सदैव क्या करता है कि वो भक्तों, दूसरे जीवों को भगवान के निकट लाने का प्रयास करता है, क्योंकि कोई जितना जितना भगवान के निकट जाता है, उतना उतना वो आनंदित होता है। अंतर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषे चानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव शीललना ललामं दृष्टा सुपुटकुण्डलमण्डिताननम्। अंतर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषे चानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव शीललना ललालम् पुत्रस्तव शीललना ललामं दृष्टा स्फुरुत्कुण्डलमण्डिताननम्। अंतर्बहिश्च, अंतर मतलब भीतर से, बही अर्थात बाहर से, च भी, अमलम यानी निर्मल, अब्ज
नेत्रम यानी कमल नेत्र, यानी शुद्ध भक्त प्रहलाद जो है हृदय से और बाहर से एकदम निर्मल होंगे। स्वपुरुष अपना भक्त इच्छा अनुग्रहित रूपम अर्थात इच्छानुरूप शरीर धारण करके पौत्र नाती तव यानी तुम्हारा श्री ललना ललना अर्थात सुंदर लक्ष्मी जी ललामम अर्थात अंकृत दृष्टा देखेगा सुफूर्त कुंडल यानी चमकीले कुंडल मंडित सुशोभित अनानम अर्थात सुख। अनुवाद, तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी जी हैं। भगवत भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। श्रील प्रभुपाद की यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दित्ति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्च स्थिति में बड़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप हैं, यथा कृष्ण बलदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव नारायण राम नरसिंह वराह तथा वामन, और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ा जाता है और जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, ना ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतएव वह उपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कश्यप मुनि कहते अंतर अंतर बहिशा मलमाप्स नेत्रम कि अंतर और बहिर यानी प्रहलाद भक्त की स्थिति क्या होगी कि वो जब चाहे हृदय के अंदर और जब चाहे संसार में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। तो भक्त ही केवल ऐसा कर सकता है, इन भौतिक नेत्रों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो वो कहीं भी किसी भी स्थान पर हृदय में और बाहर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों को भगवान की यह कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं 7.25 में नाहम प्रकाशयतः सर्वत्र योग माया समावता मूढ़ोयम ना भी जानाति मम अव्ययम अनुत्तम। जो बेवकूफ है वो मुझे नहीं जान सकते हैं क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आवृत होता हूँ, इसलिए वो मेरे विषय में नहीं जान सकते, मुझे नहीं देख सकते। मैं अपने आप को आवृत कर देता हूँ, ढक देता हूँ। लेकिन शुद्ध भक्त है वो नित्य निरंतर योमम पश्यति सर्वत्र सर्वम समय पश्यति हर किसी वस्तु को मुझ में देखते हैं और हर एक वस्तु मुझ में देखते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये भक्त की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो हर जगह भगवान के दर्शन करता है। इसके उपरांत मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, इतना बताने के उपरांत कश्यप मुनि विदुर जी से कहते हैं, जब दिति ने सुना कि हमारे ही कुल में
भगवान का इतना शुद्ध भक्त उत्पन्न होगा तो उसके हृदय से जो चिंता थी वो समाप्त हो गई। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदत्त दितेर्भृशम पुत्रयोश्च वधं कृष्ण विदित्वा सिन्महामना श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत्त दितिर्भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्ण विदित्वा सिन्महामना। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा, श्रुत्वा भागवतम प्रोत्तम, श्रुत्वा मैंने सुनकर भागवतम यानी भगवान के महान भक्त होने के लिए, पौत्रम यानी पौत्र को, अमोदत अर्थात आनंद का अनुभव किया, दिति अर्थात दिति ने, भृशम अर्थात अत्यधिक, पुत्रयोश्च वदम कृष्णात् पुत्रयो अर्थात दोनों पुत्रों का, च भी वदम यानी वद कृष्णात् कृष्ण के द्वारा होगा, विदित्वा ये जानकर, आसीन महामन महामना, आसीन मतलब हो गई, महामना यानी मन में अतीव हर्षित। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने कहा यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त बनेगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हो गई। तो उसने सोचा चलो ठीक है, मेरे पुत्र राक्षस बनेंगे लेकिन वध तो भगवान के द्वारा होगा तो उनका मंगल ही होगा, उनको भगवत धाम ही मिलेगा क्योंकि भगवान के हाथों से मरने वाला भगवत धाम प्राप्त करता है, और दूसरा वैसे ही मेरा पौत्र जो है वो भगवान का भक्त होगा जो हमारे पूरे कुल को तार देगा। तो दिति बहुत ही अत्यधिक आनंदित हो गई। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिति यह जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामायिक गर्भ धारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे, किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो वह अतीव संतुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं, भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता है। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेक अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भृशम शब्द सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी उपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधान नामक 14 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने इतने प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को सदैव कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।